नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे आप सब। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 20 बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। यदि आप इन सवालों के जवाब जानते होंगे तो कमेंट करके उसका जवाब जरूर बताएं। तो साथियों, आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अपने भरोसेमंद चैनल को और बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए रोजाना ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, चेतक घोड़ा किससे संबंधित हैं? आपका ऑप्शन है ए राणा प्रताप से, बी झांसी की रानी से, सी अकबर से, डी किसी से नहीं। आपका सही जवाब होगा ए राणा प्रताप से। आपका उत्तर होगा। आपका दूसरा सवाल है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए बनारस में, बी लखनऊ में, सी महाराष्ट्र में, डी शिमला में। आपका सही जवाब होगा बी लखनऊ में। आपका उत्तर होगा। आपका तीसरा सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिल्लियां होती है? आपका ऑप्शन है ए 20 तिल्लियां, बी 22 तिल्लियां, सी 24 तिल्लियां, डी 25 तिल्लियां। आपका सही जवाब होगा सी 24 तिल्लियां। आपका उत्तर होगा। आपका चौथा सवाल है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए बाघ, बी हाथी, सी हिरण, डी घोड़ा। आपका सही जवाब होगा बी हाथी। आपका उत्तर होगा। आपका पांचवा सवाल है, किसके पास भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का अधिकार है? आपका ऑप्शन है ए भारत सरकार, बी रिजर्व बैंक, सी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, डी वित्त आयोग। आपका सही जवाब होगा बी रिजर्व बैंक। आपका उत्तर होगा। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है 6, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया था? आपका ऑप्शन है ए कुत्ते को, बी शेर को, सी हाथी को, डी बिल्ली को। आपका सही जवाब होगा ए कुत्ते को। आपका उत्तर होगा। आपका सातवां सवाल है, बैंकों का बैंक किस बैंक को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए भारतीय स्टेट बैंक को, बी भारतीय रिजर्व बैंक को, सी पंजाब बैंक को, डी किसी को नहीं। आपका सही जवाब होगा बी भारतीय रिजर्व बैंक को। आपका उत्तर होगा। आपका आठवां सवाल है, संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? आपका ऑप्शन है ए 2 वर्ष 9 माह 18 दिन, बी 2 वर्ष 10 माह 17 दिन, सी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, डी 3 वर्ष 11 माह 18 दिन। आपका सही जवाब होगा सी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। आपका उत्तर होगा। आपका अगला सवाल है 9, बकरी का औसत जीवन काल कितना होता है? आपका ऑप्शन है ए 17 वर्ष, बी 11 वर्ष, सी 14 वर्ष, डी 18 वर्ष। आपका सही जवाब होगा सी 14 वर्ष। आपका उत्तर होगा। आपका दसवां सवाल है, विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन है? आपका ऑप्शन है ए
ग्वाटेमाला देश, बी भारत देश, सी नॉर्वे देश, डी चीन देश। आपका सही जवाब होगा हे ग्वाटेमाला देश, आपका उत्तर होगा रोजाना ऐसे ही। वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है 11। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए जापान, बी चीन, सी रूस, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका सही जवाब होगा बी चीन, आपका उत्तर होगा। आपका अगला सवाल है 12। भालू निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय पशु है? आपका ऑप्शन है ए जिम्बाब्वे, बी नॉर्वे, सी रोमानिया, डी रूस। आपका सही जवाब होगा डी रूस, आपका उत्तर होगा। आपका अगला सवाल है 13। विश्व का किस देश में कोई भी मंदिर नहीं है? आपका ऑप्शन है ए सऊदी अरब, बी ईरान, सी इराक, डी दक्षिण सूडान। आपका सही जवाब होगा हे सऊदी अरब, आपका उत्तर होगा। आपका अगला सवाल है 14। 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए लाल किला, बी जंतर मंतर, सी ताजमहल, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी ताजमहल, आपका उत्तर होगा। आपका अगला सवाल है 15। किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? आपका ऑप्शन है ए भारतीय स्टेट बैंक, बी सिंध बैंक, सी महाराष्ट्र बैंक, डी पंजाब बैंक। आपका सही जवाब होगा हे भारतीय स्टेट बैंक, आपका उत्तर होगा। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है 16। वह कौन सा जानवर है जो हफ्तों पानी नहीं पीता? आपका ऑप्शन है ए हिरन, बी ऊंट, सी भालू, डी कंगारू। आपका सही जवाब होगा बी ऊंट, आपका उत्तर होगा। आपका अगला सवाल है 17। कबड्डी खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए जापान, बी चीन, सी भारत, डी रूस। आपका सही जवाब होगा सी भारत, आपका उत्तर होगा। आपका अगला सवाल है 18। राम नाम जपना पराया माल अपना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आपका ऑप्शन है ए दान करना, बी सर्वज्ञ होना, सी धोखे से धन जमा करना, डी दूसरों से सहानुभूति रखना। आपका सही जवाब होगा सी धोखे से धन जमा करना, आपका उत्तर होगा। आपका अगला सवाल है 19। डॉट गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है ए सारनाथ, बी कुशीनगर, सी लुम्बिनी, डी बोधगया। आपका सही जवाब होगा सी लुम्बिनी, आपका उत्तर होगा। अब यह सवाल आपके लिए
आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सवाल है, किस देश को छीलों का देश कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए फिनलैंड को, बी भारत को, सी जापान को, डी रूस को। आपका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।